पाकिस्तान में नई सरकार के गठन से पहले किसने लिखा अमेरिका को पत्र, प्रेसिडेंट बाइडेन को कहा रोक दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। एबीपी लाइव वर्ल्ड की आज की स्टोरी में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में नई सरकार बन भी जाए तो अमेरिका ना दे उसे मान्यता, ये मांग की है अमेरिका के सांसदों ने। दरअसल पाकिस्तान में खंडित जनादेश के बाद अब गठबंधन सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, लेकिन इस सरकार को मान्यता ना देने के लिए अमेरिकी सांसदों ने आवाज उठाई है। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनावों में धांधली होने के पुख्ता सबूत होने का दावा किया है और इसको लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक पत्र लिखा है। समूह ने अपने इस पत्र में मांग की है कि पाकिस्तान की नई सरकार को उस वक्त तक मान्यता नहीं दी जाए जब तक कि इस संबंध में पारदर्शी और विश्वसनीय जांच नहीं कराई जाती। बता दें कि इस समूह में मुस्लिम सांसद भी शामिल हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी। आरोप है कि इस दौरान बड़े स्तर पर धांधली हुई। चुनाव परिणामों में भी खंडित जनादेश देखने को मिला, जहां जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी समर्थित सभी निर्दलीय उम्मीदवारों को जबरदस्त जनादेश मिला। 266 सदस्यीय नेशनल असेंबली में से 90 से अधिक सीटें इमरान के समर्थक उम्मीदवारों ने जीती, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएलएन ने 75 सीट पर जीत दर्ज की। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 54 सीटें मिली, तो वहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 17 सीटें जीती। इसी के चलते अमेरिकी सांसदों के समूह ने चिंता जताई है। अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि चुनाव में धांधली होने के पुख्ता सबूतों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे पाकिस्तान की नई सरकार को मान्यता देने से पहले गहन, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच होने तक इंतजार करने का आग्रह करते हैं। बता दें कि इस पत्र पर 33 सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं। प्रभावशाली मुस्लिम सांसद रशीदा तलीब, इलहान उमर और आंद्रे कार्सन ने भी पत्र का समर्थन किया है। पत्र पर भारतीय मूल की कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल ने भी हस्ताक्षर किए हैं। बहरहाल देखते हैं कि इस पत्र पर क्या जवाब आता है। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।